ये भी एक्सपेंडिचर है जो पैसे खर्च हुए, ये फॉर्म का एक्सपेंडिचर है, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपोर्ट्स लेस नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, अब आप एकदम से इनकम अप्रोच पे चले गए, ये तो नेट नेट एक्सपोर्ट्स है ना हमारे पास। ये अगर एक्सपेंडिचर था, ये एक्सपेंडिचर था, ये एक्सपेंडिचर था, तो फिर ये भी एक्सपेंडिचर ही होना चाहिए, तो ये ऐड क्यों हो रहा है, इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। नेट इफेक्ट ऐड हो ना, नेट इफेक्ट नेगेटिव हो गया सर, ये तो नेट इफेक्ट है ना हमारे पास। हाँ, तो एक्स तो है लेस से एम जीरो है, ओरिजिनल है लेस से एम जीरो है, एक्स पे अभी बात करें। सर सर अभी तक सर पिक्चर सर सही सही तरह से हाँ, नहीं आ रही सर। बेसिकली आपने आपने एक्सपेंडिचर से डिफाइन करना ना, तो जीडीपी का क्या मतलब होता है कि आपके ज्योग्राफिकल एरिया में विद इन द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ लेस से पाकिस्तान कितने लोगों ने खर्चा किया। तो एक तो मैंने किया, मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट हूं, एक गवर्नमेंट ने किया, एक रियाज ठेकेदार ने किया जो बिजनेसमैन है, और एक वो जो स्टुअर्ट लिटल बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, उसने भी यहां खर्चा किया, जो बेसिकली क्या है, एक्सपोर्ट है। जो उसने यहां खर्चा किया होगा वो एक्सपोर्ट ही है ना। तो इस ज्योग्राफिकल एरिया में जो खर्चे हुए हैं वो या तो पाकिस्तान के लोगों ने किया, पाकिस्तान से बाहर के लोगों ने किए, जो पाकिस्तान के बाहर के लोगों ने किया वो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। अच्छा, अब इस पे आ जाए, इंपोर्ट माइनस क्यों करनी, हमारे लोगों ने जो बाहर खर्चे किए हैं। वेरी गुड, ये आपने जल्द एकदम से उस पर उल्टा एनालिसिस लगाया और आपने आंसर दे दिया, लेकिन माइनस क्यों करना है, इस बात का क्यों क्या है। आप ये भी कह सकते हैं इसको काउंट ही नहीं करना, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर ये बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सुन ले टाइम कम है तो इसलिए क्योंकि ये सी के अंदर ये एम काउंट हो चुका है। इस सी के अंदर आपने प्राइवेट कंजम्पशन उठाई, आपने सारी की सारी उठा ली, उसके अंदर वो वाली भी आ गई जो हमने पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं किया हुआ था, पाकिस्तान से बाहर किया हुआ था, तो इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। अगर आप इसलिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आपको मतलब पता होना चाहिए कि अभी तो आप बड़े सेटिस्फाई होकर बैठे कि आसान सी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आता तो सारे रोना शुरू कर देते हैं कि सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि हर हर बात का मतलब ही नहीं पता होता। तो अगर वो आपको डायरेक्टली सिर्फ ये दे दे कि लोकल कंजम्पशन ही है, तो उसको सी लिख के फिर हम उसको माइनस कर रहे होंगे, नहीं फिर हम माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, उसने खुद ही बोल दिया कि ये है ही लोकल कंजम्पशन। अगर उसने टोटल कंजम्पशन दी और उसके बाद उसने बताया कि इसमें से इतनी इंपोर्ट थी, तो फिर आप माइनस कर दें। अगर वो पहले कहते कि जी ये इतना ही पोर्शन है जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के लोगों पर यूज किया, तो फिर आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो इस सी के अंदर या इस आई के अंदर या इस जी के अंदर ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो कि आपने पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं किए, पाकिस्तान से बाहर किए हैं, तो अगर उस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर आप एम माइनस बेसिकली कर देते हैं। ठीक हो गया, तो सी प्लस आई प्लस जी, और इसको एक्स माइनस एम को नेट एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं। नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव आएंगे तो नेट नेट एक्सपोर्ट्स, अगर नेगेटिव आएंगे तो नेट नेट इंपोर्ट आ गई। ठीक हो गया, और ये बेसिकली ये जीडीपी इसी के इक्वल निकलता है, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट जो आपकी फैक्टर कॉस्ट होती है। वो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल है, ये आपकी बुक में ही ये बना हुआ है। तो देखिए, पर्सनल कंजम्पशन में ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज सारी आ गई। प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में आप ये देखें जरा, नॉन रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वेस्टमेंट में रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है जो बेसिकली प्राइवेट कंज्यूमर की इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये अज्यूम करना के जो प्राइवेट कंज्यूमर जो भी करता है वो सी होता है, ये इंटायरली ट्रू नहीं है। प्राइवेट कंज्यूमर जनरली उसका हर खर्चे को हम सी कंसिडर करते हैं, सिवाय वो जो घर बनाने का उसका खर्चा होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं। दोबारा से ये बॉन्ड आता है, उसके सारे खर्चों को सी कंसिडर करते हैं, लेकिन जो वो घर बनाने के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट खर्चा करता है तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं, उसको सी कंसिडर नहीं करते, इसलिए इसने यहाँ पे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई है। ठीक हो गया, उसके अलावा बिजनेस की इन्वेंटरी सेल हुई, जो भी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट नेट एक्सपोर्ट्स, ये तो बाकी तो चीजें वही है। चलें जी आगे चलते हैं। अब ये
ये पर्सपेक्टिव है, फर्म है, हाउस होल्ड है, तो फर्म ने जितने एक्सपेंडिचर किए होंगे लेस देन फूड पे किया 2300 और उसने रेंट पे किया है 1200, वो सॉरी हाउस होल्ड ने जो किया है वही जो है वो फर्म के पास आएंगे। वैसे फर्म ने वही खर्चे जो है वो किसको पे किए हैं, बिल्डिंग रेंट में 1000 पे किया है, लैंड का में 1000 पे किया है, वेजेस में 1000 किया है और प्लस 500 का उसको प्रॉफिट हुआ है। वही वाली चीज हाउस होल्ड के पास आएगी, हाउस होल्ड इसी 3500 में से खर्च करेंगे और वही खर्चे किसी को किसको पे, अगर हम बिल्कुल सिंपल इकोनॉमी कर रहे हैं, ये सिंपल इकोनॉमी क्या है, इसमें एक फर्म है और एक हाउस होल्ड है, ताकि आप उसका उस साइकिल को अंडरस्टैंड कर लेंगे साइकिल क्या बनता है। ठीक है, तो बिल्डिंग रेंट किसको आएगा, लैंड हाउस होल्ड को, वेजेस हाउस होल्ड को, प्रॉफिट हाउस होल्ड को, क्योंकि सारे सबके पीछे कोई ना कोई इंसान ही खड़ा हुआ ना, और वो इंसान कौन है, हाउस होल्ड है। तो हाउस होल्ड की इतनी इनकम बन गई, जो फर्म कमा रही है वो फाइनली इंसानों के हाथ में आ रहा है, तो 3500 इनके हाथ में आया और 3500 इन्होंने खर्च कर दिया, जो खर्च किया किसको दिया, फर्म को दिया, फर्म के पास वही 3500 है जो कि हाउस होल्ड के पास आता है, हाउस होल्ड के पास वही 3500 जो कि फर्म के पास आता है। बेसिकली मकसद ये नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे होते हैं कि शायद प्रॉफिट होने से इकोनॉमी में कोई नए पैसे आ रहे हैं, ये नहीं है, प्रॉफिट होने से नए पैसे नहीं, वही सर्कुलेशन हो रही होती है, उसी का डिफरेंट नाम जो है वो प्रॉफिट है और डिफरेंट नाम रेंट है और डिफरेंट नाम जो है वो बिल्डिंग का जो भी है उसका, बात ये नहीं है। बात है कि इस साइकिल की वजह से जो फर्म जो हाउस होल्ड ये चार बैठे हुए हैं और फर्म के जो लोग हैं इन सब ने ये सब खुशी से रात को सो गए, उन्होंने कोई एक्टिविटी की है और उस पर वो खुश है, किसी ने क्रिकेट खेली है, किसी ने जो है वो आई डोंट नो किसी ने कार चलाई है, जो भी है खुश है ये सो गए। पैसे कमाना मकसद नहीं है, ये पैसे की सर्कुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि सबको फेयरली जो भी वो मेहनत कर रहा है उसके अगेंस्ट उसको इतने इतनी परचेजिंग पावर मिलती जाए कि वो अपनी जरूरियात और अपनी ख्वाहिशात पूरा करता जाए। बेसिक मकसद ये है। अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा कि वो क्या करेगा कि हर बंदे को उसकी सर्विसेज के मुताबिक उसकी परचेजिंग पावर जो है उसको ज्यादा उसको मिलती जाएगी, वो अपनी ज्यादा जो है वो ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, और वो बंदा जो कि काम नहीं कर रहा उसको कम से कम परचेजिंग पावर मिलेगी। बेसिक मकसद ये है। एनीवे तो फैक्टर इनकम वही होती है जो एक्सपेंडिचर होते हैं, हाउस होल्ड जो अर्न करेंगे वही इसलिए आपका जो न्यूमेरिकल का आंसर है आपके फैक्टर इनकम की तरफ से जो आंसर निकलता है और एक्सपेंडिचर की तरफ से आंसर निकलता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा ये तीसरा मेथड आ गया वैल्यू एडिट का, इसको जरा देखिए वैल्यू एडिट में क्या होगा। वैल्यू एडिट में आप काउंटिंग किस तरह से करते हैं, वैल्यू एडिट में अगर आप अपनी बुक देखें तो उसने इसका नाम आउटपुट रखा हुआ है और उसने उसके नीचे डिफरेंट बनाया हुआ है, सेक्टर्स बनाए हुए हैं एग्रीकल्चर और पता नहीं इस तरह के चार पांच से नाम लिखे हैं। तो बेसिकली उसने सेक्टर्स के नाम क्यों लिखे हैं, आप उसको किसी एक सप्लाई चेन से देखें तो आपको समझ आ जाएगा। लेट्स से आप जींस बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में टेक्सटाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जींस बनना कहां स्टार्ट होता है, सबसे पहले कॉटन फार्मर जो होता है वो कॉटन बनाता है, कॉटन जो है वो धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर जो है वो गारमेंट बनता है, यही चार बेसिकली उसके अंदर प्रोसेस होते हैं, पूरी सप्लाई चेन के अंदर ये चार प्रोसेस होते हैं। तो उसने 10 रुपए की चीज बनाई, 10 रुपए की आगे 20 रुपए की बेच दी तो 10 रुपए की वैलिडेशन, इसने फर्दर 30 रुपए की बेच दी 10 रुपए की वैलिडेशन, इसने आगे 50 की बेच दी 20 रुपीज की वैलिडेशन। तो आपने जीडीपी क्या होता है, फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू, तो वो क्या है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इस वाले एग्जांपल से जीडीपी निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 50, क्योंकि फाइनल गुड क्या है। यस सर, पेशावर में सर पिक्चर बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं समझ, बिल्कुल समझ नहीं, स्लाइड भी नहीं आ रही, स्लाइड नहीं आती सर, पहले आ रही थी, पहले नजर आ रही, नो सर पहली भी नहीं आ रही, नजर आया पहले भी नहीं आ रही, क्या करें क्या करें, सर बुला रहे हैं सारे, लाहौर में बैठे हो तो थोड़ा सी जिम्मेदारी होती है, इसी फाइन करते हैं लोग, इस कमरे के अंदर रखो मजाक, इस कमरे के अंदर तुम करोगे ना तो मैं दो आगे से और बड़े। अच्छा अच्छा यार आपको आवाज आ रही, यस सर आवाज आ रही है लेकिन स्लाइड नहीं आ रही सर, चलो अभी यार वो कोई किसी के पास है, यहाँ से कैमरा
ये लेकिन यही वाला तो कैमरा है ना पहले, ये है ना ये कैमरा, लेकिन अब वो कैमरा तो चल रहा है ना पहले से चल रहा है, वो इसलिए नहीं कह रहा आपको नजर ही नहीं आ रहा या धुंधला नजर आ रहा है? बस हैंग है सर, बिल्कुल स्टॉप है वीडियो सर। आप इधर कोई वो नहीं है जो कि इसको रीस्टार्ट कर सके आपको, यानी कि आपका जो भी सिस्टम है? नहीं है सर, बदकिस्मती से अच्छा मैं कहता हूँ कि किसी से चले अभी आप चुप करके बैठे, मुझे आवाज सुने और मैंने उनको कहा वो आ रहे। अच्छा जी यार उनका आ नहीं रहा, एक तो यहाँ भी म्यूट लगा के जाए ठीक है, क्योंकि इस तरह तो फिर बाकियों का रह जाएगा ना, दूसरा है कि आप इधर रह ही जाए ना, क्योंकि अब मसला हो रहा है तो फिर बाकी बच्चों का नुकसान ना करते। अभी इसको समझ आइए कि एक मिनट मल्टीप्लाइड बाय 50 अच्छा जी चले। सो वैल्यू एडिट में आप किस तरह से काउंट करेंगे कि आप हर इंडस्ट्री में कितनी वैल्यू एडिशन की है आप वो काउंट कर लेंगे, वो भी एंड पे जाके उसका भी टोटल 50 ही निकलेगा। तो पहली इंडस्ट्री ने कितनी की, 10 प्लस 10, इस इंडस्ट्री ने 10 की, फिर इस इंडस्ट्री ने 10 की 30, फिर लास्ट इंडस्ट्री ने कितनी की 20, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 वो भी 50 है। तो वैल्यू एडिट का भी वही आंसर निकलना चाहिए जो कि आपकी, अगर आप मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स लेते वो भी 50 का आंसर निकलता, और अगर आप वैल्यू एडिट का आंसर लेंगे वो भी 50 का निकलेगा, और इसी तरह से अगर आप फैक्टर इनकम का आंसर लेंगे तो वो भी 50 का आएगा। तो तीनों आंसर जो है वो इक्वल ही आने चाहिए, क्योंकि एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। अच्छा अब प्रैक्टिकली जब हम कहते हैं कि जीडीपी जो है वो फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू है, ये कहना बहुत आसान है, इसको कैलकुलेट करना बाहर वाले बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि रिमेंबर कि किसी ये इकोनॉमी इतनी सिंपल नहीं है कि एक ही कंपनी की सिर्फ आप ले रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो ढेर सारे बिजनेसेस हैं और ढेर सारे उनके उनकी प्रोडक्ट्स हैं, और ये डिसाइड करना कि इफ अ प्रोडक्ट इज अ फाइनल प्रोडक्ट नॉट, यही बहुत बड़े मसले की बात है, क्योंकि बहुत सी प्रोडक्ट जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, एक ही प्रोडक्ट जो है वो आधी दुनिया के लिए इंटरमीडिएट होती है और आधी दुनिया के लिए फाइनल होती है, कुछ जो होता है वो आप समझ रहे होंगे, कुछ चीज होती है आप रॉ यूज कर जाते हैं, कुछ चीज होती है आप कहते हैं नहीं इसको जरा और इसके साथ इसको पका के यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होती हैं और कुछ चीजें जो होती हैं वो फाइनल प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो बाहर ये मुश्किल काम है, ठीक है, जिसका मतलब है कि इसमें हमेशा डबल काउंटिंग होने का चांसेस रहता है, कुछ चीजों को आप यहाँ कुछ इलिमिनेशन के चांसेस रहते हैं या कुछ डबल काउंटिंग के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप अपने अपने अगर आपके पास सोल्यूशन वो आए हुए पास पेपर्स के अंदर भी अगर आप देखें तो अक्सर जो है वो आंसर निकालना जो है ना वो इक्वल करना बाहर एक साइंस बनी होती है, अक्सर आप वर्क बैक करके उसको इक्वल करने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे होते हैं, या ना हो तो आप क्या करते हैं वो स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, प्रैक्टिकली आपकी बहुत ज्यादा स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी आती है, क्योंकि फाइनल गुड इटसेल्फ इतना डिफाइंड फिनोमेना नहीं है, तो आप फैक्टर इनकम और फिर इकोनॉमी में जितनी ज्यादा जो है वो लीकेजेस होती हैं उतनी ज्यादा जो है वो ये मसला है, बहुत से लोग जो है वो इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो उतने ज्यादा डिफरेंसेस आपके आएंगे, एक तरीके से आंसर निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, दूसरे तरीके से आंसर निकालेंगे तो और निकालेंगे, प्रॉब्लम भी होता है, और इसलिए आपके न्यूमेरिकल में भी अक्सर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो बच जाता है, लेकिन वो करीब करीब आ जाता है, बाद वो बता देता है कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है, बाद वो नहीं बताता और आपका जितना भी रेजिडुअल आता है उसी को स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी कह देते हैं, बट जनरली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे आप करें तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो ठीक हो जाना चाहिए। अच्छा एक चीज देख लें, अगर आपका लेस जैसे इसी वैल्यूएशन के प्रोसेस में मैं कहता हूं कि हमारा जो ईयर एंड है फाइनेंशियल ईयर एंड है वो तब आ गया जब आपका ये प्रोसेस टू था, जब आपने थ्रेड जो है वो बना लिया था लेकिन अभी फैब्रिक नहीं बनाया था। अब लॉजिकली सोचे तो पीरियड वन अगर जब आपने थ्रेड बना लिया है, जब आपने कितने का बेचा था वो थ्रेड 20 रुपए का, वो 20 रुपए का आपने बेच दिया, तो इस टाइम आपकी जो कंट्री का जीडीपी कितना निकलना चाहिए,
20 निकलना चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम आपने 20 बना लिया, विच इज फाइन। नेक्स्ट ईयर जो है वो आपने वही चीज जो है 50 की भेजी, तो उस टाइम जीडीपी उस कंट्री क्या निकलना चाहिए, 30 निकलना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो वैल्यू एडिशन का पार्ट क्या है, 30। अच्छा, अगर आप इसको एक्सपेंडिचर प्रो से करें फिर क्या करेंगे, तो आपने फाइनल गुड की वैल्यू ली 50, इसका मतलब आपने अपनी ओपनिंग इन्वेंटरीज उसमें से लेस करनी होती है, इसलिए आपको एक्सपेंडिचर अप्रोच में ओपनिंग इन्वेंटरीज का चेंज जो मैं अभी मैंने सबसे पहले एक फॉर्मेट बताया उसमें लिखा हुआ था कि आपने चेंज इन इन्वेंटरी जो है वो डालनी है, तो इट इज ऑल्सो लॉजिकल कि आपने ओपनिंग इन्वेंटरी जो है उसमें से लेस करनी है, क्योंकि वो ओपनिंग इन्वेंटरी जो है वो लास्ट ईयर के में काउंट हो चुकी है, किसी और के इनकम में काउंट हो चुकी है, तो इसलिए आपने ओपनिंग इन्वेंटरी को लेस कर देना, तो 50 को 30 बनाने के लिए आपने 20 लेस करना है जो कि आपकी ओपनिंग इन्वेंटरीज थी। चलें जी, अच्छा जी, अब देखें जीडीपी से जीएनपी कैसे बनता है और जीएनपी से एनएनपी कैसे बनता है। तो जीडीपी क्या है, पाकिस्तान में जो एक्टिविटी हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं जीडीपी, और जीएनपी क्या है, पाकिस्तानियों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको जीएनपी बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल एरिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी, और पाकिस्तानियों की जो है इकोनॉमिक उसको जीएनपी बोलते हैं। तो जीएनपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स तो हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया, तो क्या चीज अभी एडजस्ट नहीं हुई, क्या नहीं हुआ, फॉरेन इनकम, ग्रांट, फॉरेन रिजर्व, सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले होते हैं ना, आप बात ठीक कर रहे हैं, गलत एग्जांपल नहीं दे रहे, सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर पेपर में आप लिख के आए और आप ये दो पॉइंट लिखा है और जो सबसे मेजर पॉइंट, सर आवाज भी आना बंद हो गई है, सर इस्लामाबाद में आवाज भी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर, हेलो सर आवाज नहीं आ रही, जैसे पाकिस्तान का जो आपका बैलेंस हो जो पेमेंट है वो कितना है अभी, पाकिस्तान का बैलेंस पेमेंट कितना अभी, आजकल आप सारे पीटीआई के सपोर्टर्स ही होंगे ना, तो बताएं आजकल तो मसला पड़ा हुआ है, 1400 अरब, कितना, 1400 अरब शायद, 1600 अरब शायद, नहीं वो मंथली बता दो, आपकी कोई एक महीने में तो 5 to 6 billion dollars की इंपोर्ट्स होती, जबकि आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो कोई $2 billion के अराउंड होती है, और आपकी जो वर्कर रिमिटेंसेस हैं वो भी अराउंड $2 billion की हैं, तो कितना हो गया, 4 कोई, तो इसका मतलब है 1.5 billion, 1 billion, 2 billion हर महीने हमें डेफिसिट आता है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर, एक 1.5 billion का हमें करंट अकाउंट के ऊपर डेफिसिट आ रहा होता है, और वो वही है जो कि अगर हम एक साल के लिए, ये मंथली कैलकुलेट करते हैं या ईयरली बेसिस पे होता है, ईयरली बेसिस पे बताने लगा ना, पहले मंथली आपको बता दिया, आप ईयरली मैं बताने लगा कि आपको साल में जो है वो 10-12-15 billion dollars का जो है वो आजकल लॉस आ रहा है, और यही हुआ कि हमारे पास दो साल पहले को 20-22 billion के रिजर्व थे और अब हमारे पास खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले साल डेढ़ साल में ये पोजिशन हमारी रही। एनी वे आगे आ जाए जरा, इंटरमीडिएट गुड्स इसमें जीडीपी में शामिल नहीं करनी, नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजेक्शन नहीं करनी, इलीगल एक्टिविटीज शामिल होती नहीं है, कर भी लें। अच्छा, नॉन प्रोडक्शन ट्रांजेक्शन में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है इसको आपने याद रखें, इन्वेस्टमेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन क्या, तो आप अगर बैंक में पैसे रखवाते हैं तो वो इकोनॉमिक्स के टर्म में वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाए और उस पर इंटरेस्ट आना शुरू कर दिया वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, या आपने बॉन्ड खरीद लिए, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, या आपने फॉर दैट मैटर शेयर ही खरीद लिए स्टॉक मार्केट में, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है,
कैपिटल गुड में इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो वो क्योंकि ये सारी चीजें इंटरमीडिएट चीजें हैं, ठीक है? फाइनल अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए, ये अब इंपॉर्टेंट ग्राफ आ गया वापस वहीं पे। माइक्रो में आपने डिमांड का क्या ग्राफ पढ़ा था? स्लोपिंग डाउनवर्ड। इधर एक्स एक्सिस पे क्या था? क्वांटिटी थी। वाई एक्सिस पे क्या था? प्राइस थी। मैक्रो में आपका डिमांड का ग्राफ, जिसको आप क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। इसके एक्स एक्सिस पे क्या है? जीडीपी। तो ज्यादा स्पेसिफिक है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है कि आप जीडीपी से जीएनपी या एनएनपी करते हैं, वो आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। रियल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्स एक्सिस पे क्या है? रियल जीडीपी है, ठीक है? एक्स एक्सिस पे क्या है? रियल जीडीपी है। अब ये बड़ा मसला है, आप ये एकदम से जल्दी से पढ़ते हैं और भाग जाते हैं आगे। रियल जीडीपी मौज लग गई भाई। माइक्रो में क्या था? क्वांटिटी थी एक्स एक्सिस पे। मैक्रो में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी नहीं आ रही, क्या आ रहा है? रियल जीडीपी। क्या क्वांटिटी में दिया होगा? बेसिकली क्या, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी मिला के, तो सारी जो गुड्स है उनकी प्राइस मिला के, प्राइस सारी गुड्स मिला ले। पहले तो आप आलू को टमाटर में जमा कर ले, तो क्या जमा करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो बेसिकली द ओनली वे इट कैन बी डन कि आप कोई ना कोई उसके लिए कोई ना कोई प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप सब चीजों को जमा कर सकते हैं। अदरवाइज आप कर ही नहीं पाएंगे। आप आलू और टमाटर को तो नहीं ऐड कर सकते। तो आपने सारी प्रोडक्ट्स इन एन इकोनॉमी को जब ऐड करना है, तो आपको उनको प्राइस लेवल लगा के ही ऐड करना पड़ेगा, उसके बगैर आपके पास तरीका ही नहीं है। तो इसलिए एक्सेसिस पे क्या आ गया? रियल जीडीपी आ गया। लेकिन वाई एक्सिस पे क्या है? जब आपने प्राइस जो थी वो एक्स एक्सिस पे डाल दी, तो वाई एक्सिस पे क्या डालेंगे? फिर प्राइस डाल देंगे। प्राइस का इंपैक्ट अगर आपने एक्स एक्सिस पे डाल दिया है, तो वाई एक्सिस पे क्या डाल रहे थे? बताए, फिर प्राइस डाल रहे हैं कुछ? आप तो इतने तीन महीने हो गए आप डाल रहे हैं, आप तो सर से पूछा नहीं आपने, सर ये क्या हो रहा है? तो हम टाइम के साथ तो नहीं ग्राफ बना रहे। गुड, बात का पॉज देने का मतलब होता है कि आप अंदर से महसूस करें इस बात को, ठीक है? बात आसान है। तो ये प्राइस नहीं है, ये है प्राइस लेवल। क्या है? प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल क्या होता है? ये बेसिकली इन्फ्लेशन का एक मेजर दिया हुआ है। ये इसमें जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी, तो इसका क्या मतलब है कि उतने परसेंट बेस ईयर से उतने जो भी आपकी बेस वैल्यू होगी उससे उतने परसेंट इंक्रीज आ गया। तो जैसे से आपने बेस ईयर 2000 डिफाइन किया, उस दिन आपने सारी कमोडिटीज की बेस प्राइस डिटरमिन कर ली सीपीआई के थ्रू या जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू, ठीक है? जो इकोनॉमी लेवल जो सीपीआई होता है उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। इकोनॉमी लेवल जो सीपीआई होता है उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। आपने जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू अपनी एक बेस पॉइंट जो है वो डिटरमिन कर लिया, राइट? अब आप इस बात पे कहते हैं कि अच्छा ये तो बेस पॉइंट है, अगर मार्केट में हम मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? अब जीडीपी क्या है? आउटपुट है ना आपका, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो वो तो नहीं चेंज होती। अगर आप ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रीच कर रहे होंगे तो क्या होगा? आपने मनी सप्लाई इंक्रीज की, मार्केट में क्या होना चाहिए? इन्फ्लेशन बढ़ जानी चाहिए। डिमांड क्या, आप ऑलरेडी कहां पे है? अपनी मैक्सिमम, आप मैक्सिमम सप्लाई पे ऑलरेडी खड़े हुए, जिसका मतलब है कि जीडीपी, रियल जीडीपी वहीं पर रहेगा। जितनी आप मनी सप्लाई बढ़ाएंगे उतना इन्फ्लेशन ही वो प्रेशर क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली जो आपका वाई एक्सिस क्या है, वो है प्राइस लेवल को डिफाइन कर रहा है कि प्राइस आपके बिहेवियर से प्राइस कितने परसेंटेज में कितने में चेंज होती है, जो कि आपका इन्फ्लेशन का मेजर होता है।
तो इसलिए अक्सर आपके ग्राफ्स हैं वो ग्राफ बनाते बनाते वो पी की जगह वहां पे इन्फ्लेशन लिख देता है एकदम से, और आप कहते हैं कि यार ये क्या साइंस हुई है, ये कोई अलग नए ग्राफ है। हालांकि वो वही ग्राफ होता है, उसको उसी का नाम प्राइस लेवल है, उसी का नाम इन्फ्लेशन है। ठीक हो गया, चले आगे। सर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी सर इसमें क्या फर्क? बेटा बताया, रियल जीडीपी जो है वो आपने किसी बेस ईयर पे आपने डिफाइन कर ली, उसकी आपने प्राइस लेवल डिफाइन कर लिए, या वर्क बैक करके जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू आप उसकी एक बेस डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि जी इससे जितने परसेंट इन्फ्लेशन आएगी हमने उसको क्रेडिट करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो पिछले साल 100 बिलियन था, और इस दफा जो नॉमिनल जीडीपी है वो, और पिछले साल ही हमारा बेस ईयर है और नॉमिनल जीडीपी हमारा 110 बिलियन आया, और साथ में हम कहते हैं कि जी 4% की इन्फ्लेशन है, तो हम क्या करेंगे, आप पहले 110 को आप डिवाइड करेंगे 4% से, आप उसको डिस्काउंट करेंगे और आप कहेंगे अच्छा ये एक्चुअल में इंक्रीज कितना आया, ये 10% इंक्रीज नहीं आया, ये 6% इंक्रीज आया। तो रियल टर्म्स में उसका इंक्रीज 6% होगा, नॉमिनल टर्म्स में उसका इंक्रीज 10% होगा। अच्छा जी, ये तो आसान है, ये तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एक मिनट मैं थोड़ा सा चले यहां से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप सबको नजर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नजर आना चाहिए, जो जो फैसलाबाद वगैरह में लोग बैठे हैं। जी स्लाइड ही नहीं आ रही सर, आ रही है वो आगे इसका इस बुक में है ही नहीं, बुक में थोड़ा सा मिस्टेक से बना रेफरेंस दे रहे सर। चले मैं मेरी आवाज से थोड़ा सा गुजारा करने की कोशिश करें सर, आपकी ये आते छोड़ दो। अच्छा सुने वापस आ जाए। लॉन्ग रन में किसी सोसाइटी में हमारी क्लासिकल अजम्पशन क्या है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो क्या कहते हैं कि लॉन्ग रन में सोसाइटी जो है वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रही होती है हमेशा, जो वो लोग जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम वेलबींग की बात कर रहे हैं ना, हम मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हर बंदा अपने इंटरेस्ट को परसू कर रहा है, जो उससे हो सक रहा है वो कर रहा है और वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, तो सोसाइटी ऑलरेडी हमेशा अपने मैक्सिमम पे ऑपरेट कर रही होती है। लेकिन दो तरह के मैक्सिमम होते हैं, एक मैक्सिमम होता है जो आपकी बुक में बना हुआ वो है अल्टीमेट मैक्सिमम, और एक होता है जो आपका सस्टेनेबल मैक्सिमम होता है। ये सस्टेनेबल मैक्सिमम जो लिमिट है और अल्टीमेट में क्या डिफरेंस क्या है? कभी कभी ऐसे होता है, जैसे अभी मैंने स्लाइड जो है वो विकेट में बैठ के बनाई है, तो मैं नहीं सोया एक दिन, तो एक दिन तो ऐसे गुजारा हो जाएगा, दो दिन भी हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर बंदा गिर पड़ता, बीमार हो जाता। अगर ये तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं एक साल से सोया ही नहीं हूं, मैं एक साल से ओवर टाइम कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं को कह सकता। तो शॉर्ट रन में आपका पोटेंशियल होता है कि आप थोड़ी सी ज्यादा अचीवमेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जो सस्टेनेबल होता है वो बहरहाल आपके शॉर्ट रन मैक्सिमम से थोड़ा सा पीछे होता है, क्योंकि आप वो चीज नहीं कर सकते, आप अपना ओवर टाइम जो है उसको सस्टेन करके आप उसको पूरे साल तक नहीं ले जा सकते। हाँ, 4 दिन ओवर टाइम लगा लेंगे, साल में से 1 महीना ओवर टाइम लगा लेंगे, इस तरह से आप कर लेंगे, लेकिन ये नहीं होता कि सारा साल ओवर टाइम लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, ठीक है। हाँ, सप्लाई कैसे बढ़ सकती है? सप्लाई बढ़ सकती है अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके सप्लाई बढ़ सकती है, ठीक है, या आपको अच्छी टेक्निक्स पता चलते सप्लाई बढ़ सकती है। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है, नॉर्मली आपकी क्लासिकल अजम्पशन क्या है कि इकोनॉमी अपनी सस्टेनेबल लॉन्ग रन सप्लाई कर्व के अराउंड उसका इक्विलिब्रियम होता है। दोबारा क्या वर्ड बोल रहा हूँ, क्लासिकल व्यू क्या है, सस्टेनेबल लॉन्ग रन सप्लाई कर्व के अराउंड आपका इक्विलिब्रियम रहेगा। अच्छा, ये मूव करेगी तो फाइन, जैसे ये मूव करेगा मतलब जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आउटसाइड को मूव करेगी, ये आपकी मूव जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है अगर वो राइट को मूव कर गई तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ गया। इसका मतलब क्या कि टेक्नोलॉजी कोई नई चीज आ गई, कोई नई मशीनरी आ गई, कोई नया तरीका हमने दरियाफ्त कर लिया, हमने जो है वो हमारे पास जो रिसोर्सेज स्कैर्स थे
हमने पेट्रोल के की बजाय हमने कोई न्यूक्लियर वे में जो है वो बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, व्हाटएवर, तो उससे आपका क्या होगा कि आपकी लॉन्ग रन सप्लाई का जो है आउटसाइड मूव कर देगी। अदरवाइज आपका जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा, अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है तो आपका इक्विलिब्रियम हमेशा इसी पॉइंट के अराउंड जो है वो मेंटेन करेगा। ये बात ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको फर्दर समझ लेते हैं। तो ये आपका वो मैक्सिमम लॉन्ग रन सप्लाई का है जो कि आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल ये वाली है, ठीक है। और आपकी जो जो शॉर्ट रन कर्व होती है बेसिकली वो इस तरह से होती है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल आपको क्योंकि ये वाली सेपरेट नजर नहीं आ रही होती, तो आप इसको ऐसे करके ऐसे नहीं बनाना, इसको क्रॉस नहीं कराना, जो अल्टीमेट मैक्सिमम उसका उससे क्रॉस नहीं होना चाहिए। आपकी जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है वो आहिस्ता आहिस्ता इस मैक्सिमम के करीब जानी चाहिए, इससे बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और ये आपकी सस्टेनेबल सप्लाई कर्व है। आपकी डिमांड कर्व भी यहीं पे आके कट करी होगी इसी पॉइंट को, तो यहीं पे आपकी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होगी, यहीं पे आपकी डिमांड कर्व होगी, और यहीं आपकी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होगी। तो ये आपका क्लासिकल व्यू में आपका इक्विलिब्रियम रीच हो गया, क्लासिकल व्यू में। अभी केन्जियन में ये बात नहीं हो रही। अच्छा, तो क्लासिकल व्यू में समरी क्या है, क्लासिकल व्यू में आपकी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या है, वर्टिकल लाइन है, क्योंकि वो क्या कहता है कि इकोनॉमी का पोटेंशियल जो है वो फिक्स है। क्लासिकल व्यू में आपकी जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, क्योंकि आप कहते हैं इकोनॉमी का पोटेंशियल फिक्स है। हाँ, अगर वो उस पोटेंशियल के चेंज करने में कोई बात आती है तो वो एक अलग चीज है। अच्छा जी, मैं एक मिनट अब यहां से, हाँ ये वाले चीजें करते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि इनमें अगर शॉर्ट रन में शिफ्ट आता है तो क्या क्या शिफ्ट होंगे और उसका क्या 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 इंपैक्ट आ सकते हैं। तो लेट्स जस्ट से फॉर एक्स वाई जेड रीजन आपकी जो डिमांड कर्व है वो मूव करके 80 से 81 होगी, आउटवर्ड शिफ्ट कर गई, डिमांड कर्व मूव कर गई। अच्छा, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ये है, याद रखना कि अल्टीमेट यही मैक्सिमम इधर होगा, इसके इससे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, तो 81 जो है वो आपकी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका क्या होगा, प्राइस इंक्रीज आएगा और क्वांटिटी इंक्रीज भी आ जाएगा। ये क्वांटिटी इंक्रीज नहीं है, ये क्या है, आपका रियल जीडीपी इंक्रीज भी होगा और इन्फ्लेशन भी होगी। या इसको इस तरह से पढ़ना शुरू करते हैं, ये इसको वो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले में ना लेके जाए, इसलिए आपके लिए फिलिप्स कर्व एक अलग टॉपिक है और ये वाली कर्व सारी अलग टॉपिक है, हालांकि ये सेम टॉपिक है। हम क्या कह रहे हैं, हमारा रियल जीडीपी भी इंक्रीज हो रहा है और इन्फ्लेशन भी होगी थोड़ी सी, कब, जब आपकी डिमांड कर्व जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर गई। लेकिन रिमेंबर कि इस पॉइंट से बियॉन्ड सस्टेनेबल नहीं है, इस पॉइंट से बियॉन्ड सस्टेनेबल पोजीशन नहीं है। तो उस शॉर्ट रन में थोड़ा सा शॉर्ट रन के बाद क्या होगा, आपकी जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट करके यहां पे आ जाएगी और ये वाला पॉइंट आपका नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। आप थोड़ा सा दूर होकर सोचे, अगर ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया तो नेट इफेक्ट में क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज करने से। हाँ, जब इकोनॉमी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे होती है तो जितनी डिमांड इंक्रीज होती है उतनी इन्फ्लेशन हो जाती है, सिंपल, ये बड़ी लॉजिकल सी बात है। दोबारा से, इकोनॉमी जब अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे होती है तो जितनी डिमांड इंक्रीज होती है उतनी इन्फ्लेशन हो जाती है, क्योंकि आप बढ़ाइए डिमांड, क्या होगा प्राइस लेवल की, क्योंकि इकोनॉमी फर्दर प्रोड्यूस तो कर नहीं सकती, कुछ दो चार दिन के लिए तो कर सकेगी, उसके बाद नहीं कर सकेगी, ओवर टाइम कितने दिन लगाएंगे, तो फाइनल आप अपने सस्टेनेबल लेवल पे वापिस चले जाएंगे और आपका इक्विलिब्रियम यहां पे रीच कर देगा। ये कौन सा व्यू मैं बोल रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं, कौन सा, क्लासिकल व्यू बोल रहा हूं, ठीक है। क्लासिकल व्यू था कि ये काम खुद ही होता रहता है, ये काम लॉन्ग रन में खुद ही अपने आप को प्राइस एडजस्ट कर लेते हैं, कभी डिमांड बढ़ती है तो उससे प्राइस बढ़ जाती है, कभी डिमांड कम होती है तो प्राइस कम हो जाती है, लेकिन वह हम अपने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कभी नहीं छोड़ते, ठीक हो गया जी। आगे आए, यही वो ये वाली चीज यहां पर बनी हुई है, ठीक है। अब इधर आ जाए जरा, ये स्टैगफ्लेशन का केस है, आपकी बुक में इकट्ठा नहीं बना हुआ, अलग बिखार के बना हुआ, लेकिन इकट्ठा हो तो आपको समझ आ जाएगा। स्टैगफ्लेशन क्या होती है, हाँ जी, डेफिनेशन क्या होती है स्टैगफ्लेशन की, इन्फ्लेशन भी होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। अच्छा, इन्फ्लेशन का मतलब आप अपने, अगर आपकी सप्लाई कर्व आपको, और स्टैगफ्लेशन होती है सप्लाई शॉक की वजह से, स्टैगफ्लेशन किस वजह से होती है, सप्लाई शॉक का मतलब है कि आपकी जो एएस कर्व है वो इन साइड को शिफ्ट कर गई। अब वो देख, शॉर्ट रन जो है लॉन्ग रन करना है कि नहीं करना, वो उस पे डिबेट अभी करते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट रन जो कर्व है वो इन साइड
शिफ्ट करेगी, जब शॉर्ट रन का भी इनसाइड शिफ्ट करेगी तो क्या होगा मसला? आपका मसला होगा कि आपके रियल जीडीपी भी कम हो जाएगा और आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। रियल जीडीपी कम हो गया और इन्फ्लेशन, ये सबसे मसले वाली बात है, क्योंकि जनरली आपकी जो सारी स्ट्रेटेजी बनती है उसमें आप क्या सोच रहे होते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रियल जीडीपी का कम होने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है। जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली आपकी अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है बूम के पीरियड में क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है, और फिर बस के पीरियड में क्या होता है, इन्फ्लेशन कम हो रही होती है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही होती है। स्टैगफ्लेशन जो है वो एक अनोमली का केस है। ये कब हुआ था? ये 1970s में जो अमेरिकन क्राइसिस था वो बेसिकली वो उसमें स्टैगफ्लेशन का केस था। पाकिस्तान में आजकल क्या चल रहा है? स्टैगफ्लेशन चल रही है। यहां से आप साल पहले की बात कर लेंगे, क्या चल रहा है? स्टैगफ्लेशन चल रही है। स्टैगफ्लेशन में दो मसले होते हैं, एक आपको सप्लाई शॉक मिलता है, दूसरा आपका जो बैंक है जो सेंट्रल बैंक है वो ढेर सारे पैसे छाप देता है। एक आपको सप्लाई शॉक मिलता है, दूसरा आपका सेंट्रल बैंक जो है वो ढेर सारे पैसे छाप देता है। पाकिस्तान में जो ढेर सारे पैसे छापने का मसला था वो शायद ज्यादा कंट्रोल था, क्योंकि सेंट्रल बैंक पैसे तो बहुत छाप रहा था लेकिन गवर्नमेंट ने क्राउड आउट किया हुआ था। क्राउडिंग आउट क्या होती है? जब गवर्नमेंट जाओ खुद ही लोन बारो करती रहती है, तो गवर्नमेंट पैसे तो छाप रहे थे लेकिन वो ज्यादा इकोनॉमी में नहीं आ रहे थे। ये जो क्वांटिटी थ्योरी में जाके जरा इसका इसका पैसा बिठाना पड़ता है। लेकिन सप्लाई शॉक जरूर है हमें। सप्लाई शॉक क्यों हुआ, क्या हुआ हमें? सप्लाई शॉक क्या पाकिस्तान इकोनॉमी को बता नहीं पता। आपकी जो ऑयल की प्राइसेस जो थी वो 2016-17 में ऊपर चली गई थी। आपकी 2013-14 के अंदर ऑयल जो है वो 25-30-40 डॉलर फी बैरल तक रहा है। 2016-17 में ये वापस उठ के 80-90 तक चला गया था। अब वापस आजकल कोई 60 के राउंड वापस चल रहा, ठीक है। आप थोड़ी सी रिलैक्सेशन है लेकिन जी क्या अच्छा इसको म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा तो सप्लाई शॉक हुआ जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी हो रही है। इन्फ्लेशन भी हो रही है। पिक्चर बिल्कुल नहीं आ रही सर, आवाज पे बहुत गुजारा कर लिया सर। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है लेकिन सर आप जो एग्जांपल दे रहे हैं सर वो तो हम नहीं देखते सर। पर मैं कोई दिखा कुछ रहा ही नहीं हूँ, ट्रस्ट कर लो मुझ पे, मैं कुछ नहीं दिखा रहा इनको। सर आवाज में आवाज पे हमने बहुत गुजारा कर लिया सर अब मैं इनसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आजकल क्या इकोनॉमी के क्या हालात चल रहे हैं, और यकीन करो मैंने कोई पीटीआई का झंडा नहीं उठाया हुआ इस टाइम जो तुम्हें देखने की जरूरत है। अच्छा चले तो आपकी इकोनॉमी जो है वो उसमें रिसोर्स लोग जो है वो अपना बेरोजगार भी वो हो रहे हैं और फिर भी प्राइसेस हाइक कर रही है। ये आजकल यही सिचुएशन है कि प्राइस लेवल ऊपर जा रहे हैं और लोग जो है वो बेरोजगार भी हो रहे हैं, हालांकि आप इकोनॉमिक्स में ये नहीं पढ़ते। तो पाकिस्तान में आजकल स्टैगफ्लेशन चल रही है। 1970s का जो क्राइसिस था अमेरिकन वो भी स्टैगफ्लेशन का था। क्यों? क्योंकि उस टाइम अमेरिका को एकदम से पता चला कि साढ़ा तेल मुक गया और जो बाहर वो अरब कंट्रीज के साथ जो वो से वो मंगवाने का उनके प्लान्स थे उसमें अरब कंट्रीज ने उस टाइम कार्टर्स बनाना शुरू कर दिए, तो ये पैक वगैरह के जो मसले हैं, तो एकदम से उन्होंने उनको सप्लाई शॉक दिया जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो उन्होंने पैसे बहुत ज्यादा छापे हुए थे और उतनी ज्यादा अग्रेसिवली जो है वो रिसोर्सेज बिल्ड नहीं कर सके, तो उल्टा जो है वो शॉर्ट टर्म सप्लाई कब जो है वो इनसाइड मूव कर गई जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन का आ गया। उसमें इस सिचुएशन में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करके वापस लाए, और जो इनसाइड मूव होती है ये बड़ा मसला है क्योंकि बाज का जो है वो इनसाइड मूव जो है वो परमानेंट हो जाती है। जो आपकी शॉर्ट रन सप्लाई का अगर इनसाइड मूव करती है तो वो लॉन्ग रन सप्लाई को भी इनसाइड मूव करा जाती है, क्योंकि सप्लाई शॉक अगर आया है इसका मतलब आप अपनी कैपेसिटी जो है उसको यूटिलाइज आपने अपनी पोटेंशियल कम कर दिया, तो पोटेंशियल दोबारा से रेज करने भी जब इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, बहुत से लोगों की स्किल्स खराब हो जाती हैं, बहुत से लोग जो है वो काम छोड़ देते हैं, दोबारा उस पटरी में चलने में अपनी इकोनॉमी की सप्लाई साइड बढ़ाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। एनीवे आगे चलेंगे, अब जरा इसको फिलिप्स कर्व के साथ देख लें। तो स्टैगफ्लेशन का फिलिप्स कर्व क्या बनेगा?
अगर स्टैगफ्लेशन को हम फिलिप्स कर्व बनाए तो ये बिल्कुल जो फिलिप्स कर्व आपको रिलेशनशिप बता रहा होता है ये इसका बिल्कुल स्टैगफ्लेशन क्या कर रही होती है उसके फिलिप्स कर्व के अलोंग मूवमेंट नहीं कर रही होती वो क्या कर रही होती है फिलिप्स कर्व को शिफ्ट कर रही होती है स्टैगफ्लेशन क्या करती है फिलिप्स कर्व के अलोंग मूवमेंट नहीं होती फिलिप्स कर्व के अलोंग मूवमेंट कब होती है जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशनशिप आप बूम बस्ट में आप पढ़ते हैं अगर वो रिलेशनशिप रहता है तो फिलिप्स कर्व के अलोंग मूवमेंट हो रही होती है लेकिन जब स्टैगफ्लेशन होती है तो फिलिप्स कर्व के अलोंग मूवमेंट नहीं होती उल्टा फिलिप्स कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाती है ये बेसिकली ये नहीं है मैं बता रहा कि इस तरह से हो रहा है तो बेसिकली फिलिप्स कर्व इस पॉइंट से अब आउट शिफ्ट करेगी एंड शिफ्ट करेगी अच्छा जैसे यहां पे मैंने बताया कि आपको आपका एक सस्टेनेबल इकोनॉमी का लेवल होता है ठीक है लॉन्ग रन का इसी तरह से सस्टेनेबल आपका अनएम्प्लॉयमेंट का भी लेवल होता है जो बिल्कुल कॉरेस्पॉन्ड करता है इकोनॉमी के सस्टेनेबल पोटेंशियल पे बेसिकली यही चीज है आप उसको अनएम्प्लॉयमेंट कह दें अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज रेट किस चीज को शो कर रहा होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसी चीज को शो कर रहा होता है ना कि कितने लोग जो है वो घर में बैठे हैं जिसका मतलब है कितने लोग जो काम कर रहे हैं जो लोग काम कर रहे होंगे वही उसका सप्लाई पोटेंशियल होगा उस इकोनॉमी का और उसमें जो है वो एक सर्टन रेट होता है 3% 4% जो सस्टेनेबल होता है जिसका क्या मतलब है कि एट एनी गिवन टाइम कुछ लोग जो है वो बेरोजगार रहेंगे ही रहेंगे अगर इन द शॉर्ट रन ये सारे लोग रोजगार पे आ जाते हैं तो आप अपनी इकोनॉमी के पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर देते हैं अदरवाइज आप अपने वापस अपने सस्टेनेबल पोटेंशियल पे आ जाते हैं ठीक है तो आपकी लॉन्ग रन सप्लाई का वर्टिकल लाइन होती है इसका एग्जैक्टली मतलब है कि आपकी लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो भी वर्टिकल लाइन होती है ये सेम बातों का एक मतलब है और शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है वो उसमें अपर ट्रेंड होता है तो इसका बेसिकली मतलब है कि आपकी फिलिप्स कर्व में जो आपने बुक में रिलेशनशिप पढ़ा के फिलिप्स कर्व में बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप होता है अनएम्प्लॉयमेंट और आपकी इन्फ्लेशन का ये सेम ग्राफ है लेकिन उसको अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के टर्म में आप बताते हैं इसको फिलिप्स कर्व कहते हैं तो जैसे उसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिफरेंट होता है इसमें भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिफरेंट होता है अच्छा जी ये फिलिप्स कर्व होगी जीडीपी डिफ्लेटर हो गया ये इनसाइड मूव अच्छा जी अब जरा आ जाए केन्जियन ये क्लासिकल व्यू क्या था कि लॉन्ग रन सप्लाई कब क्या होती है और स्ट्रेट लाइन कौन सी वर्टिकल लाइन आप पागल है आप लॉन्ग रन सप्लाई का इस टाइम जो है वो वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन है केस ने क्या कहा था आपकी जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है इस टाइम वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई उसने कहा वो जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक होगी और हम लॉन्ग रन में पहुंच जाएंगे लेकिन उसने एक बड़ी तरीकी जुमला कहा जो आप अक्सर सुनते होंगे उसने कहा इन द लॉन्ग रन विल ऑल बी डेड हम मर जाएंगे जब तक मार्केट का इनविजिबल हैंड जो एडम स्मिथ वाला इनविजिबल हैंड है कहता जब तक वो अपना काम दिखाएगा उतनी देर तक हम मर जाएंगे उसने कहा कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी इनसाइड मूव की हुई है 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके बारे में उसने कहा एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनसाइड मूव की हुई है वो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी कम हो जाएगी आपकी सप्लाई की उसने कहा ऐसा नहीं होता ह्यूमन जो है वो इतना मशीन की तरह बिहेव नहीं करते आपका बेसिक सप्लाई का फिनोमिना क्या है बेसिक फिनोमिना सप्लाई का है कि डिमांड ज्यादा होगी तो आप प्राइस आपकी प्राइस ज्यादा होगी तो आप सप्लाई बढ़ा देंगे प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम कर देंगे इसको जरा मैक्रो इकोनॉमिक पे रख के सोचे वेजेस ज्यादा होगी तो आप काम करना चाहेंगे वेजेस कम होगी तो आप काम कम लोग करना चाहेंगे लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कुछ लोग आगे कुछ ना कुछ अपनी वेज को कम करते रहेंगे मुझे अगर 100 रुपए पर नौकरी नहीं मिल रही तो मैं क्या करूंगा 80 रुपए कर लूंगा 80 रुपए नहीं मिल रही 50 रुपए कर लूंगा 50 रुपए नहीं मिल रही 40 रुपए कर लूंगा उसने कहा कि ये आपने सिर्फ घर में टेस्ट किया हुआ है प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है गेंद ने क्या कहा कि प्रैक्टिकली ऐसे होता नहीं है उसने कहा प्रैक्टिकली तो हम जो है वो हम तो हमारा तो स्वैग ही लगा हमें हमारा बॉस कहता है कि आपकी आपकी तनख्वाह कम होने लगी है
हम उसे क्या कहते हैं, आई रिजाइन. क्या ख्याल है, हम उसे क्या कहते हैं, आई रिजाइन. हम अपनी प्राइस जो है वो कम नहीं, अपनी वेज रेट कम नहीं करते. तो आप बता, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम, हमारी एज कब इधर से इधर आएगी, हमारी एज कब में वो एक जगह वो पक्के हो गया, अब वो अड़ गए, अब वो अड़ गए, वो कहते इससे नीचे हमने नहीं आना. इस कॉन्सेप्ट को केस क्या कहते था, प्राइस या वेज स्टिकीनेस. क्या बोलता है, वेजेस जो है वो स्टिकी होती है, एक पॉइंट पे आगे अड़ जाते हैं लोग, केस से कम नहीं करनी. उसमें बिहेवियरल मसले भी है लोगों के, उसमें लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो भी है. तो वो घर में वेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो काम करना जो है वो एक सर्टन वेज लेवल से नीचे काम करना पसंद नहीं करते. कहता आपको लगता है कि ये लॉन्ग रन में ये अगर अगर डिमांड इनवर्ड मूव कर रही है तो, और सप्लाई जो है वो नीचे आएगी, तो ये वापस अपने मैक्सिमम सप्लाई पे चला जाएगा, लोग आ जाएंगे. कहता आपको लगता है, लोगों को नहीं लगता, लोग घर में बैठे हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रहे और उल्टा इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई. तो उसने कहा कि इकोनॉमी को इसी तरह से इस पॉइंट से निकाल के इस पॉइंट पे लाए, किसी बंदे को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा क्योंकि बिहेवियरली लोग इसको इस पे इनिशिएटिव नहीं ले रहे. इकोनॉमी को यहां से निकाल के यहां पे लेके आए, जब आप यहां पे लेके आएंगे तो फिर वो सारे रूल लगना शुरू हो जाएंगे जो आप बचपन से सोच रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी अभी यहां पे खड़ी हुई है. अच्छा, ये उसने, अब उसके ग्राफ को हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा फिर इस तरह करके बनाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वही बात है, ठक ठक रिलेशनशिप नहीं होता. तो हम इसके अंदर ये एक कर्व जो है वो ऐड कर देते हैं, और यही बेसिकली कर्व अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में जो केन्जियन बेसिकली सप्लाई कर्व बनी हुई है वो इस तरह से बनी हुई है. ठीक है, वो इस तरह से उसका व्यू के इस टाइम सप्लाई लाइन जो है वो वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल है. वो अपने दौर की बात कर रहा था 1930s की, वो कह रहा था कि इस टाइम सप्लाई लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन नहीं है. और क्लासिकल व्यू था कि जो सप्लाई लाइन होती है वो वर्टिकल लाइन होती है. ठीक है, और उसका रिलेशनशिप बेसिकली ये केन्जियन रेंज है और ये बेसिकली क्लासिकल रेंज है, और ये इंटरमीडिएट रेंज है जहां से वो जो इकोनॉमी जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है. जनरली आप जो पढ़े होते हैं वो ये इंटरमीडिएट रेंज के बिहेवियर्स पढ़े होते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक्सट्रीम के बिहेवियर ये है. और 1930s के जो डिप्रेशन था जहां पे केस ने सारा का सारा अपना मॉडल दिया, वो बेसिकली इस रेंज का जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका व्यू है कि हॉरिजॉन्टल रेंज से वर्टिकल रेंज में किस तरह से आना है. तो केन्स की सारी पॉलिसीज का ये इंपैक्ट है. अच्छा, अब जरा देखते हैं कि इससे क्या होगा. मैं चाहता हूं कि मैं इस रेंज से निकल के इधर आ रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये एडी कब है मेरी, एडी क्या डिमांड कब है, डिमांड कब यानी कि एक्सपेंडिचर कब, एक्सपेंडिचर के डिटरमिनेंट क्या होते हैं, टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. एक्स माइनस एम को भूल जाए क्योंकि उस टाइम ये जब का केस का जो मसला हम अभी नहीं कहते, जब हम अभी केन्जियन थिंकिंग देखते हैं वो क्या थी, उस टाइम एक्स माइनस एम इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती थी. ठीक है, ये बाद में ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें ज्यादा प्रेवलेंट हुई. प्राइवेट कंज्यूमर कंजम्पशन करने के लिए रेडी नहीं है, वो तो नौकरियां छोड़कर घर बैठा हुआ है. इन्वेस्टमेंट भी किसने करनी है, प्राइवेट फर्म्स ने करनी है. तो उसने कहा कि फिर अगर आपने इससे इधर से इधर मूव करना है तो आप क्या करें, जी इंक्रीज कर दें, क्योंकि जी जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. और ये केन्स ने पहला मॉडल दिया था जिसमें उसने कहा कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर भी बाहर हाल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो कहीं पे बहुत जरूरी हो जाती है. मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कहीं ना कहीं जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन में जाए तो ये चीज है वो इधर से इधर ही फॉल करती जाएगी, डिमांड और कम होती जाएगी क्योंकि लोग बेरोजगार घर में बैठे हुए. तो उसने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक दफा एक इस तरफ को किक करे, उसके बाद मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इफेक्ट उस किक को आगे लेके जाएंगे और इसको वापस इसी रेंज में वापस ले आएंगे. तो केन्जियन व्यू बेसिकली ये था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से आप अपनी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उससे निकल के वर्टिकल रेंज के अंदर चले जाए. ठीक हो गया जी, चले जी आगे. यस बॉस, सॉरी कम अगेन. इतनी नहीं है वैसे, क्योंकि बेसिकली जो अगर आपको ये समझ आ गई है तो अब आगे सर इसी इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट को ट्रैवल करना है. फुली हाफ एन आवर.
अच्छा जी अच्छा ये ग्राफ बनाया हुआ है मैंने 1929 टू 1933 का, फिर ये 1949 टू 42 का, और ये फिर समरी है कि 1929 से 1941 में अमेरिकन इकोनॉमी का क्या बेसिकली जहां पे केन्सियन मॉडल जहां पे डिस्कवर हुआ था, तो केन्सियन मॉडल की इनकॉर्पोरेशन के बाद ये दोबारा इकोनॉमी अपने कंट्रीज में जो जंगे होती हैं उसमें क्या नुकसान होता है ना कंट्रीज को, लेकिन अमेरिका को वर्ल्ड वॉर टू में बहुत ही फायदा हुआ था। क्यों? कि उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री खुली शुरू कर दी। वो क्या करना शुरू हो गए? आर्म्स जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए, तो उनको वर्ल्ड वॉर टू में फायदा हुआ था। उसका भी इम्पैक्ट उसके बाद जो है वो इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो गया था। एनीवे आगे आ जाए, तो बेसिकली जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो भी केन्जियन व्यू ही है। मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो केन्जियन व्यू है बेसिकली। उसका वो यही बताता है कि जी गवर्नमेंट जब इसमें कंट्रीब्यूट करेगी तो आपको कितना इंपैक्ट आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट की छोटी सी कंट्रीब्यूशन से उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इंपैक्ट आता है। उसका ग्राफ अगर आप बुक में देखें तो आप ऑटोनोमस, अच्छा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूज इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है बताएं? आपने असल में वो फिक्स से बनाया हुआ ना, फिक्स जो कॉस्ट, क्योंकि अगर आप इसकी इक्वेशन बनाए तो वो वही पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वो ही बनती है। और उसका जो फिक्स कॉस्ट वाला पोर्शन होता है, ठीक है, उसको आप ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जो वेरिएबल वाला पोर्शन होता है उसको आप इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो ये नहीं है। स्टोरी ये है कि ऑटोनोमस ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि प्रॉफिट टेकिंग के पर्पस से इंड्यूस्ड नहीं होती, ठीक है। जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है बेसिकली उसका पर्पस ही होता है कि लोगों आप कहते हैं प्रॉफिट मिलेगा इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट टेकिंग के पर्पस से इंड्यूस नहीं हो रही होती। अच्छा, उससे फायदा तो इससे क्या आगे क्या स्टोरी चलती है? आगे स्टोरी है कि जनरली जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो कौन करती है? जो गवर्नमेंट है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, और गवर्नमेंट का बेसिकली पर्पस जो है वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं होता, और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है जनरली प्राइवेट सेक्टर कर रहा होता है। तो बेसिकली जब आप मल्टीप्लायर में केन्जियन व्यू था वो यही था कि आप ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें, क्योंकि गवर्नमेंट का मकसद जो है वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं है। गवर्नमेंट का मकसद क्या है? क्या आपने वेलफेयर करनी सोसाइटी की, सोसाइटी को प्रॉब्लम से निकालना है, जो आपकी डिमांड डिक्रीज हुई है उसको इंक्रीज करना है ताकि आप वापस अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे जाएं। तो अगर आपकी कंजम्पशन ये है, आप गवर्नमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करेगी तो ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ जो है वो उतने से ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, राइट। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लें। अब ये ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल इस सेंस में है कि बुक में आपके ग्राफ बने हुए हैं और उसमें ये 45 डिग्री की लाइन है। ये लाइन का क्या मकसद है? क्यों ये इसके एक्स एक्सिस पे क्या आता है? रियल जीडीपी आता है। वाई एक्सिस पे क्या आता है? सेविंग इन्वेस्टमेंट का, जो भी बेसिकली उसमें भी एक्सपेंडिचर का वही आती है। तो बेसिकली दो सेम चीजों का वही चीज एक्स एक्सिस पर रखेंगे, वही चीज वाई एक्सिस पर रखेंगे, तो ग्राफ बनेगा तो क्या बनेगा? 45 डिग्री ग्राफ बनेगा, 45 डिग्री ग्राफ बनेगा, जब दोनों एक्स एक्सिस पे भी हुआ वाई एक्सिस पे भी हुआ। तो फिर हम कर क्या रहे हैं? फिर ये ग्राफ बनाने का फायदा क्या हुआ? ग्राफ बनाने का ये फायदा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इस ग्राफ की अजम्पशन क्या है? इस ग्राफ की अजम्पशन ये है कि आपकी जो सेविंग्स हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो क्या है? इक्वल है। आपकी जो सेविंग्स हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स इक्वल है। लेकिन प्रैक्टिकली आपने इस बिहेवियर को एनालाइज करना है कि ये क्या होगा इक्विलिब्रियम पे। वापस इक्विलिब्रियम पे आपकी जो सेविंग्स होती हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो इक्वल होती है, ठीक है, जो जिस लॉजिक से ये 45 डिग्री की लाइन बनती है। तो आप ये 45 डिग्री की लाइन बना लेते हैं, उसके बाद आप इस कंजम्पशन को कंजम्पशन नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? प्लैंड कंजम्पशन। क्या कहते हैं? प्लैंड, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट ईयर पे हम जो चीज चेंज करेंगे उससे क्या इंपैक्ट आएगा, जो भी नेक्स्ट ईयर हम चेंज करेंगे उससे क्या इंपैक्ट आएगा। तो चाहे इक्विलिब्रियम पॉइंट अभी यहां पे है,
लेकिन आप अपनी कंजम्पशन का बिहेवियर देखते हैं कि कंजम्पशन जो है वो कितनी, जो कंजम्पशन लाइन है या जो आपका आपके जीडीपी की जो लाइन है वो कितनी स्लांटेड है या कितनी जो है उसके अंदर उसकी उसकी स्लोप कितनी है, उससे आपको डिफरेंट चीजें जो है वो डिफाइन होगी। जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतना ज्यादा आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, सॉरी जितनी कम स्लोप होगी उतना ज्यादा आपका मल्टीप्लायर आपका इफेक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतनी जो है वो इन्वेस्टमेंट की और इतनी इन्वेस्टमेंट्स है आपका जीडीपी इंक्रीज हो गए यहां से यहां तक आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट डबल का इंपैक्ट जो है वो इस ग्राफ से शो हो रहा है। ऑटोमेटिकली आप देखें कि अगर ये ज्यादा फ्लैट होता तो ये इंपैक्ट और ज्यादा आता, जितना जो है वो ऊपर होगा जितना इसके पैरेलल आना शुरू हो जाएगा उतना जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा उसका इंपैक्ट। ठीक हो गया। तो बेसिकली ग्राफ इस मल्टीप्लायर के इफेक्ट को शो करने के लिए आता है कि गवर्नमेंट जितनी इन्वेस्टमेंट करती है उसका इंपैक्ट जो है वो कितना है। बार बार मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको पता है कि 1 डिवाइड पर एमपीएस आप अगर आप रखेंगे तो आपका मल्टीप्लायर का रिजल्ट आ जाता है। क्यों? अच्छा, मल्टीप्लायर की जैसे मैंने आपसे बोला कि आपकी जो हाउसिंग इंडस्ट्री होती है उसको आप इन्वेस्टमेंट में लेते हैं, तो उसकी क्या रीजन है? क्योंकि शायद जो बेस्ट तरीका है मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट करने का किसी भी इकोनॉमी में वो हाउसिंग इंडस्ट्री होती है। उसकी रीजन क्या है? उसका मल्टीप्लायर बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा उसका मल्टीप्लायर होता है। क्यों? क्योंकि एक हाउसिंग इंडस्ट्री जो है वो 120 आगे इंडस्ट्रीज को ट्रिकल कर देती है। तो जब आप हाउस बनाते तो क्या होगा, आपकी आपका सारा कंस्ट्रक्शन मटीरियल लगेगा, इंटो के कारखाने चलेंगे, सरिये के कारखाने चलेंगे, आपके लकड़ी के कारखाने चलेंगे, ठीक है, आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो आपके जो लोग यानी कि आपकी पोर्ट चलना शुरू हो जाएगी, बाहर से मटेरियल आएगा, बहुत सारी इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, आपके होम अप्लायंसेस का काम चलना, जो नए घर बनेंगे तो होम अप्लायंसेस का काम चलना शुरू हो जाएगा, घास वाले का काम चलना शुरू हो जाएगा, दरख्त वाले का काम चलना शुरू हो जाएगा, पूरी जो हाउसिंग सोसाइटीज होती है वो पूरे का पूरा जो है वो इस चीज को किक स्टार्ट कर देती है। इसलिए जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उसका बेसिकली मकसद, अगर वो कहते हैं कि हमने हाउसिंग में इन्वेस्ट करनी है, तो बेसिकली उसका मकसद क्या होता है कि हाउसिंग से जो है वो काफी ज्यादा रिपल्स क्रिएट होते हैं, तो हाउसिंग का मल्टीप्लायर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। एनीवे आगे आए, जरा इसको छोड़े, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे आ जाए जरा। हाँ जी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो क्या कहती है, इसका बेसिक फॉर्मूला। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया, आपने अपनी मैक्रो इकोनॉमी को तीन ऑब्जेक्टिव से देखना है। इस तरह से आपको कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी ऊपर क्वेश्चन आए तो बेसिकली उसका सारे का सारा आंसर यही इसी फॉर्मूले के अंदर है। एम इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू वाई। वाई क्या है? रियल जीडीपी आपकी। पी क्या है? आपके प्राइस लेवल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल जीडीपी निकलेगा। अच्छा, एम क्या है? आपकी मनी सप्लाई। और वी क्या है? सर्कुलेशन ऑफ दैट मनी। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने नोट छापे स्टेट बैंक ने और वो नोट छाप के उसने जिसको भी दिया उसने अपने जाके घर में रख लिए, तो इन्फ्लेशन कितनी होगी? कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि जितनी आपने मनी सप्लाई इंक्रीज की उतनी जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो इन्फ्लेशन कब होती है? जब वो पैसे जो भी आपने स्टेट बैंक ने छापे हैं वो मार्केट में फ्लोट भी करना शुरू करते हैं, तब आपकी इन्फ्लेशन होती है। अगर वो पैसे आपने उठा के ड्रॉअर पर रख लिए तो मार्केट में कोई इन्फ्लेशन नहीं होगी, लॉजिकल सी बात है। इसी तरह से आगे ना देखते हैं, अगर आपने मनी सप्लाई इंक्रीज की, जो हमने पहले वाले ग्राफ पढ़े थे वो बेसिकली आपको यही बता रहे थे कि अगर आप कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो उससे होता क्या, या तो प्राइस लेवल इंक्रीज होंगे या रियल जीडीपी इंक्रीज होगा या प्राइस लेवल इंक्रीज होंगे, और वही आपने स्ट्रेटजीज बनानी है। बेसिकली आपने देखना है टैक्सेशन के केस में आपने क्या, अगर आप मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो वो उससे रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं होता, उससे क्या हो जाता है, उल्टा प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आप केंसियन रेंज के अंदर है तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने से क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप केंसियन रेंज में नहीं है तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने से उल्टा क्या होना शुरू हो जाएगा, आपका प्राइस लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आपका नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज करेगा, आपका रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं करेगा, मनी सप्लाई सारी सारी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी किसके अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने बेसिकली इस पॉलिसी को देखना होता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज करने से बेसिकली क्या हो रहा है। मनी इटसेल्फ क्या होती है? हाँ जी, मनी इटसेल्फ क्या होती है? पैसे मनी होती है, लेकिन वही बात है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं तो डेफिनेशन ऑफ मनी जो है वो प्रॉब्लम आ गई है। और अगर आपको पढ़ते वक्त थोड़ा सा ये परेशानी हो रही हो कि यार वो फलानी चीज मनी होती है कि नहीं होती, तो परेशान नहीं होना, जो बड़े बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी परेशानी होती है कि ये फलानी चीज को मनी में इंक्लूड करना है कि इंक्लूड नहीं करना। वो चीज जो आपको परचेजिंग पावर दे रही है वो आपकी मनी है, ठीक है।
सो बेसिकली एक तो आपको सिंपली आप क्या करते हैं, जो आपके करेंसी नोट्स है वो आपकी मनी है, उसके अलावा आपके सेविंग अकाउंट्स, आपके डिमांड डिपॉजिट्स, ये सारी की सारी मनी है। उसके अलावा जितने भी ऐसे इजीली जो लिक्विडेटेड लिक्विडेबल जो एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे मनी की डेफिनेशन में आ सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल ऑफ मनी बनते हैं। वेट होना शुरू होती है कि ये मनी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्रेडिट कार्ड जो मनी होती है कि नहीं होती, उस पर फिर वही बात है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, जिस तरह से वो कर ले। वो डिबेट बहुत ओपन है, वो हर प्रैक्टिकल इकोनॉमी के अंदर उसके अलावा डिबेट है, कोई मनी की कुछ डेफिनेशन करता है, कोई मनी की कुछ डेफिनेशन करता है, ठीक है। बहरहाल आप मनी सप्लाई की इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज कर रहे हैं तो बेसिकली इकोनॉमी में किसी तरह से परचेसिंग पावर लोगों की इंक्रीज करने की बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ द पेपर्स, लेकिन क्या वो रियली में परचेसिंग पावर इंक्रीज करती कि नहीं करती, वो डिपेंड करता है कि पी पे इंपैक्ट आ रहा है कि वाई के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट है क्रेडिट क्रिएशन का, जो कि बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं, तो ये वाली स्टोरी अगेन ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने बहुत छोटी सी इकोनॉमी को सोचते हैं, आपने बैंक में 100 रुपया रखवाया पर्सन वन, बैंक ने वो 100 रुपया पर्सन टू को दे दिया, पर्सन टू ने जाके कोई ट्रांजेक्शन की और वो 100 रुपए पर्सन थ्री को दे दिया, पर्सन थ्री ने आके वही वाला 100 रुपया वापस बैंक में रखवा दिया, फिर बैंक ने आगे वो पर्सन फोर को लैंड कर दिया। एक ही नोट की बात हो रही है, 100 रुपए के नोट की बात हो रही है, और रिज्यूम करें अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ताकि आपकी एग्जांपल सिंपलीफाइड रहे। अब लॉजिकली सोचे कि वो 100 रुपए जो है ये तो घूम घूम के वापस बैंक के पास आता जाएगा, और वो 100 रुपए के बैंक हो सकता है 10,000 रुपए का क्रेडिट इश्यू कर दे। क्या ख्याल है? थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, पहले इस चीज को हम चोरी समझते थे, लेकिन जब से फियाट मनी का कॉन्सेप्ट आया, पहले तो आपकी कमोडिटी बेस्ड मनी होती थी कि जितना आपके पास पीछे गोल्ड रिजर्व्स है कोई और रिजर्व्स है उतनी आपने मनी इशू करनी है, लेकिन जब फियाट मनी का जब से कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसके पीछे लाजमी बात नहीं पीछे कुछ आपके पास रियल एसेट्स हो, तो फियाट मनी में तो ये चीज जब से कॉन्सेप्ट आया तब तक ये गुना बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होता। तो बैंक अगर एक नोट छपा हुआ है और उसकी बेस पे बैंक ने मार्केट में 10 गुना परचेजिंग पावर जनरेट कर दिया, तो बहरहाल उसने क्या करना है, इन्फ्लेशन क्रिएट करनी है। पता नहीं इन्फ्लेशन क्रिएट करता कि नहीं करता, डिपेंड करता है कि वो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी करें, तो लाजमी बात नहीं है कि ये इन्फ्लेशन, लेकिन बहरहाल इसकी वजह से प्रॉब्लम होने के चांसेस तो हैं। तो आप क्या करते हैं, जो स्टेट बैंक है वो क्या करता है, बैंक्स के ऊपर रिजर्व रिक्वायरमेंट लगा देता है, तो कहता है कि आपके पास जितने डिपॉजिट्स आए आपने उसका एक खास परसेंट हिस्सा लैंड कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो लेट्स से उन्होंने कहा 80% लैंड कर सकते हैं, और जब आपके पास 100 आया तो आपने आगे लैंड कितना किया 80 वो घूम के फिर वापस आपके पास आ गया, तो आपने फिर 20% उसका अपने पास रखना, लैंड कितना किया 64, फिर वो 64 आपके पास घूम के पास आया, आपने फिर जो है उसको उसका 80% 48 आपने आगे लैंड कर दिया, एंड सो ऑन। तो अब हमें कंफर्म है कि वो उसका मल्टीप्लायर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका मल्टीप्लायर जो है वो उतना नहीं होगा कि इन्फिनेटली आगे जाता रहे, वो जो रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है उसके मल्टीप्लायर को क्या करती है कहीं ना कहीं कैप कर लेती है, वो कैप जो है वो डिपेंड करता है आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर आप ज्यादा रिजर्व रिक्वायरमेंट कर देंगे वो उसके कम मल्टीप्लायर्स बनेंगे, और अगर कम रिजर्व रिक्वायरमेंट रखेंगे तो ज्यादा मल्टीप्लायर बनेंगे, वो बेसिकली आपका जो जितने मल्टीप्लायर बनते हैं वो आप अपनी रिजर्व रिक्वायरमेंट से आप यहां से निकाल सकते हैं, अगर 20% रेशियो तो 1:20 आप 20 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके 4 मल्टीप्लायर्स बेसिकली बन रहे हैं, 5 मल्टीप्लायर्स बन रहे हैं। ठीक हो गया जी। सॉरी, अच्छा जी, अगर आप मनी सप्लाई कम करते हैं, अच्छा केन्जियन ने बेसिकली जो उसका व्यू था तो उसने आगे से ये सजेस्ट नहीं किया था कि आपने जो डिमांड बढ़ानी है वो आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग करके डिमांड बढ़ानी है, आपने टैक्सेस को रिड्यूस करके डिमांड बढ़ानी है, या फॉर दैट मैटर मनी सप्लाई इंक्रीज करके बढ़ानी है। तो आप केन्जियन व्यू को मॉनिटरी टूल से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये अगर आपका ख्याल है केन्जियन व्यू में मॉनिटरी पॉलिसी यूज नहीं हो सकती, ये गलत है, ठीक है, बल्कि उसकी बुक का नाम भी इस तरह से आके जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक एम मनी इस तरह करके उसकी बुक का नाम था। तो बेसिकली वो उसने उसके अंदर मॉनिटरी चीजों को भी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो आप जो केन्जियन व्यू को आपने अप्लाई करना है वो आप मनी सप्लाई इंक्रीज करके और डिक्रीज करके भी कर सकते हैं। अगर आप मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी, और अगर आप मनी सप्लाई डिक्रीज कर रहे हैं किसी इकोनॉमी से तो उसको बोलते हैं कॉन्टेक्चुअली पॉलिसी, ठीक है। इसी तरह से फिस्कल पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं पॉलिसी, और अगर स्पेंडिंग कम कर रही होती है बोलते हैं कॉन्टेक्चुअली पॉलिसी। अच्छा जी,
ये वो सारे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, रिजर्व रिक्वायरमेंट, डिस्काउंट रेट और फेड, ये सेम है। इस पे अगर आ जाए लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? ये भी बेसिकली केन्जियन व्यू ही था। हाँ जी, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? आपका बेसिक रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट का क्या है? लेकिन क्यों ऐसा क्यों करेंगे लोग? ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने वेज स्टिकीनेस का आपको बताया है। तो सिमिलरली इंटरेस्ट रेट साइड पे वेज स्टिकीनेस के साथ में इसका एक कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट रेट एक खास हद से कम जब आ जाता है उससे कम होता ही नहीं। अच्छा, और लोग जो है उसको इन्वेस्ट नहीं करते। उसको इन्वेस्ट ना करने की रीजन ये नहीं है कि वो कहते हैं कि जी हमें इसके पैसे नहीं मिल रहे। हो सकता है उसके पैसे लेसर से 1%, वो तो डिपेंड करता है कि 1% आपको कितनी परचेजिंग पावर देता है। तो खाली 1%, जैसे प्राइस लेवल कोई चीज नहीं होती। प्राइस लेवल से क्या आपकी बेसिकली चीज क्या होती है? लॉन्ग रन सप्लाई का आपकी बेसिक चीज है ना। प्राइस लेवल तो बेसिकली डिफाइन, वो कह रहा है कि अगर इसी इकोनॉमी के पोटेंशियल के ऊपर आप डबल नोट छाप देंगे तो हर चीज प्राइस डबल हो जाएगी। और इसी तरह से आप आधे नोट बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? हर चीज की प्राइस आधी रह जाएगी। तो बेसिकली मनी सप्लाई जो है वो किसी चीज को वैसे डिपेंड नहीं करी होती। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि इस ट्रैप में ये है कि इंटरेस्ट रेट कम हो गए और इंटरेस्ट रेट कम होने से आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? इंटरेस्ट रेट कम होने से कह रहे थे कि जो बिजनेसमैन है वो कहेगा कि ओहो लोनेबल फंड्स तो बहुत सस्ते हैं तो आओ बोरिंग करते हैं। लेकिन बोरिंग ज्यादा नहीं हो रही। दोबारा से लोग क्या कहेंगे कि ओहो फंड्स तो सस्ते हैं, आप इंटरेस्ट रेट क्यों कम करते हैं? ताकि बिजनेसमैन जो आए और आके इन्वेस्टमेंट करे और उससे कोई एक्टिविटी जनरेट करे। लेकिन वो कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट सस्ते भी हुए हैं फिर भी लोग जो बोरिंग नहीं हो पा रही। वजह क्या है कि लोग अपने पास पैसे रख के इसलिए बैठे हुए क्योंकि वो अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते 1% पे। उनका क्या ख्याल है कि ये इतने कम इंटरेस्ट रेट है, ये थोड़ी देर में कुछ महीने में कुछ साल में बढ़ जाने, और बढ़ेंगे कब? जब तक ये लोग जो है इन्वेस्ट नहीं करना शुरू करेंगे तब तक बढ़ेंगे नहीं। बिजनेस एक्टिविटी होगी तो इंटरेस्ट रेट बनना शुरू होंगे ना। इस चीज को ट्रैप कहते हैं। वापिस आए, ट्रैप किस चीज को कह रहे हैं कि आप फंस गए। जो आप सोच रहे हैं कि होने वाला है उसके बाद मैं करूंगा, वो जब तक आप नहीं करेंगे वो नहीं होगा। दिस इज अ ट्रैप। इसलिए आपका जो ये वो उसका ख्याल था कि इस टाइम लोग जो है वो कैंजियन व्यू ये था कि लोग जो है वो लिक्विडिटी ट्रैप इस टाइम फंसे हुए। उनका ख्याल है कि अभी ये फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, अभी अपने पास रखो, अभी हम इन्वेस्ट कर दिया तो हमें लॉस हो जाएगा। अभी करने का कोई फायदा नहीं है, कोई इंटरेस्ट रेट अभी तो कुछ खास मिल नहीं रहे, और अभी अगर हमने लॉक कर दिया तो फ्यूचर में पैसे नहीं मिलेंगे। और बढ़ने क्यों है? बढ़ने इसलिए है क्योंकि जब तक मार्केट में डिमांड नहीं रेज होगी तब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। ये बेसिकली ट्रैप था, जिसको फिर वही बात है जो उसकी फिस्कल पॉलिसीज के जो मेजर है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे, पहले डिमांड किस तरह से इंक्रीज करे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना शुरू होंगे। और आखिरी चीज थी बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में वर्कर रिमिटेंसेस भी आ गई। अगर आपकी इम्पोर्ट ज्यादा होती है तो एक्सपोर्ट ज्यादा तो आपकी आपको आपको सरप्लस आता है, इम्पोर्ट ज्यादा तो डेफिसिट आता है। कौन से अकाउंट पे? बैलेंस ऑफ ट्रेड पे। ठीक हो गया, जो आपके आपका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट तो कलेक्टिवली वर्क एंड रिमिटेंसेस को मिला के कहते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है? इसका इसकी डबल एंट्री होती है। सिंपल, फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है? इसकी डबल एंट्री होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपोर्ट ज्यादा करें तो इसका क्या मतलब है? एक्सपोर्ट ज्यादा करने का क्या मतलब? आपके पाकिस्तान से ज्यादा चीजें जा रही हैं, लेकिन जिसका मतलब है कि डॉलर आ रहे हैं। यही फाइनेंशियल अकाउंट और आपके ट्रेड अकाउंट में डिफरेंस है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल मूवमेंट्स होती हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट में होती हैं, और जो आपकी गुड्स की मूवमेंट होती है वो आपके ट्रेड अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में हो रही होती है, या फॉर एग्जाम्पल करंट अकाउंट में हो रही होती है अगर आप वर्क एंड रिमिटेंस सारी चीजें शामिल करें। तो बेसिकली ये दोनों एट एनी गिवन टाइम मैच कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाला जो अकाउंट है और ये जो करंट अकाउंट है, ये बेसिकली फिजिकल गुड्स की मूवमेंट से बन रहा होता है, तो अक्सर इसमें और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में टाइम लैग होता है। अभी जब मैं एक्चुअल डेटा भी देखता हूं तो स्टेट बैंक की तरफ से जो डेटा आता है और जो पोर्ट्स की तरफ डेटा आता है वो भी आपस में मैच
नहीं कर रहा होता, क्योंकि होना था वो इक्वल चाहिए, लेकिन उसमें टाइम लैगिंग होती है, बाज़ार कुछ चीजें जो है वो नजर नहीं आ रही होती, रजिस्टर कुछ कराई होती है लेकिन उसका फिजिकल अकाउंट कुछ होता है और उसका कैश अकाउंट कुछ और बता देते हैं, और छोटी चीजों पे बैंक इतना नोट नहीं करता, तो वो चीजें इस वजह से उसमें डिफरेंस आ रहा होता है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली डबल एंट्री है उसी चीज की, जो है वो कैश की मूवमेंट को जो है फाइनेंस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसकी फिजिकल मूवमेंट को जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करने से। ठीक हो गया जी, आगे चले जी। जे कब क्या होती है, जे कब क्या होती है, जे कब ही होती है कि आपको आपका ख्याल है कि आप अगर एक्सपोर्ट्स आप प्राइस लेवल कम करेंगे तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट चले, एक्सचेंज रेट को रिलीज कर देंगे, जैसे पाकिस्तान में अपनी या पैसा अपना डीवैल्यू कर देंगे तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, कम होनी चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी क्योंकि एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली सस्ती हो जाती है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। शॉर्ट रन में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, शॉर्ट रन में उल्टा आपकी एक्सपोर्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और फिर एक खास मिनिमम को हिट करती है, इतनी कम नहीं होती लेकिन एक खास मिनिमम को हिट करती है और फिर उसके बाद वापस आ जाती है। उसकी क्या रीजन, उसकी रीजन ये है कि देखे एक्सपोर्ट्स ऐसा नहीं है, जनरली आपकी एक्सपोर्ट आपने एक वैल्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, तो वो शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होगा कि अभी आप जो है वो यहां से पैसा जो है वो उसको डीवैल्यू करेंगे और साथ ही आपके अगले दिन से एक्सपोर्ट जो है वो नेक्स्ट महीने के एक्सपोर्ट के बिल जो है वो बढ़ जाएंगे। आपने सारी की सारी सप्लाई चेन को रीएडजस्ट करना होता है, आपने फ्यूचर की निगोशिएशन करनी है, फ्यूचर की निगोशिएशन में आपने पूरे पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट अक्सर लोगों के होते हैं, ठीक है, तो इट टेक टाइम्स कि आपने जो पैसे की डिवोल्यूशन की है वो कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। आप नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट तब जीतेंगे जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बिटिंग में जाएंगे, अभी तो आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ ही चल रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में तो आपको डॉलर टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको डॉलर टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप साइन करेंगे तो आपने लेस से किसी प्रोजेक्ट की प्राइस पहले 140 जो है वो बिड करनी थी और उसकी वजह से बांग्लादेश ने 130 की प्राइस बिड करनी थी और उसने कॉन्ट्रैक्ट जीत जाना था, अब आपकी करेंसी डीवैल्यू होगी तो अब आपके पास आप 120 की प्राइस जो है वो बिड कर सकते हैं और आप बांग्लादेश को आउट कर देंगे और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली आपने ये भी देखना होता है कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द जो गुड्स जो कि बीइंग एक्सपोर्टेड है वो है क्या, उस चीज पर भी डिपेंड करता है कि डीवैल्यूएशन से करेंसी डीवैल्यूएशन से फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर आपकी करेंसी डीवैल्यू आप जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं वो प्राइस इलास्टिक है फिर तो करेंसी डीवैल्यूएशन से फायदा होता है, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर करेंसी डीवैल्यूएशन से फायदा नहीं होता। बहरहाल ये जेकब के अलावा की बात है, बहरहाल आपने इस चीज को देखना होता है। ठीक हो गया जी, आगे चले। आखिरी चीज कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और इस्लामिक सिस्टम क्या होता है बताएं। आपने जितना कुछ पढ़ा ये क्या था, कैपिटलिज्म था, ठीक है। इसके अंदर जो जो चीजें कैपिटलिस्ट गुना समझते हैं वो सोशल इकोनॉमी के करेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और इस गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अगर आप एक्सट्रीम पे ले जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सोशलिज्म, ठीक है। और दुनिया में अब कोई इकोनॉमी, जैसे जब से केन्जियन व्यू आया उसके बाद तो जो मार्केट इकोनॉमी है वो ट्रूली मार्केट नहीं रही, उसने ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो मार्केट इकोनॉमी भी है उसको भी करेक्शन की जरूरत होती है इंडिविजुअल लेवल पे। इसका मतलब है हर इकोनॉमी जो है, चाहे सोशलिज्म है चाहे केन्जियन सॉरी चाहे कैपिटलिज्म है, उनको किसी ना किसी लेवल पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जरूरत होती है। कहीं पे कहीं कंट्रीज में ज्यादा इंटरवेंशन है, किसी कंट्रीज में कम इंटरवेंशन है, तो इसलिए हम बहरहाल हर इकोनॉमी प्रैक्टिकली एक मिक्स इकोनॉमी है। चाइना में ज्यादा करेक्टरिस्टिक सोशलिज्म के हैं और अमेरिका में ज्यादा करेक्टरिस्टिक जो है वो कैपिटलिज्म के हैं। जो आपकी यूके और आपकी यूरोप वाली कंट्री है उसमें ज्यादा करेक्टरिस्टिक किस चीज के है, नहीं अच्छा यही बात है, आप वहां पे हैं वो क्या प्रचार क्या करते हैं, कैपिटलिज्म। आप उनकी सैलरी देखें 50% जो है वो आपका टैक्स काट लेते हैं, ये किस चीज का करेक्टर है, ये सोशलिज्म का करेक्टर है कि आप ढेर सारा टैक्स जो है वो सैलरी पे आप काट लें और उनसे कहें कि जी पढ़ाई भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्थ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक नेसेसिटी सारी की सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अमेरिका में बहुत ज्यादा जो है वो ओबामा ने जो बेसिकली जो चेंजेस किए हैं वो उन्होंने इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट दिया, हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, वो बेसिकली किस चीज का करेक्टर है, वो सोशलिज्म का करेक्टर है। तो वो जो इकोनॉमी जो कि बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट करती है कैपिटलिज्म को, बट इफेक्टिवली वो जब अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है अदरवाइज, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी में अगर आप
अगर आप कैपिटलिज्म की बात करें तो गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, तो गवर्नमेंट का रोल अदा करना ही मतलब क्या होता है कि आप सोशलिज्म की तरफ आपका एक कदम है, ठीक है। तो आप इसको ग्रेटर व्यू में बड़े बाहर उसके फायदे के साथ तो आपने पढ़े हैं। इस्लामिक सिस्टम जो है वो ज्यादा करीब किसके था वैसे बेसिकली कैपिटलिज्म के सोशलिज्म के? सोशलिज्म के वो ज्यादा करीब था, ठीक है, उसमें ज्यादा वो चीजें बाहर उसमें कुछ जो बेसिक फैक्ट्स है उनमें चेंजेस है, बाकी वो इसमें वो देख लीजिएगा वो इम्पोर्टेंट है, जो लीज और इजारा और जो मुदारबा का जो है बेसिकली वो चीजें देख लीजिएगा, बाकी जो है वो इस्लामिक सिस्टम इससे ज्यादा आपसे वो स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि वो आपको पता था मस्त हो जाता है इस्लामिक क्वेश्चन करने में, ठीक हो गया जी। हाँ जी अब कोई क्वेश्चन है तो कर ले। इधर से किसी ने बात की थी कि खैर चले गई, उनको आवाज ही नहीं आ रही थी, इसका बता दो। हाँ एक्सेलरेटर का, गुड। मल्टीप्लायर क्या करता है? ट्रांसफर करता है आपकी इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप विद किससे देखता है? जीडीपी से। तो वो कहता है जीडीपी में कितना इंक्रीज आएगा इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज से, राइट? ये करता है कि उल्टा करता है? आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, आप एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे? नहीं, वो क्या करता है? एक मिनट, आप एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे और उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होंगी। मल्टीप्लायर क्या कहता है? आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो क्या होगा? आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी, राइट? अच्छा जी, सो मल्टीप्लायर में क्या होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट की और उससे आपका आपका मकसद क्या था? जीडीपी इंक्रीज हो जाए। जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, जैसे किसी बिजनेस की इनकम इंक्रीज हुई है, डिमांड इंक्रीज हुई है, तो ऑटोमेटिकली आगे से उसको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके उस इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। तो कभी भी जब इकोनॉमी का बूस्ट सही होता है तो आप गवर्नमेंट एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करती है, उससे क्या होता है कि आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, वो डिमांड इंक्रीज है वो बिजनेसेस को आगे क्या करती है? बिजनेस को इंड्यूस करती है कि वो इन्वेस्टमेंट करें। बिजनेस जो बिजनेस हो उसके रिएक्शन में, मल्टीप्लायर के रिएक्शन में काम करता है, उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं।
तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज से जो डिमांड इंक्रीज होती है ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, और डिमांड इंक्रीज से जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है वो एक्सेलरेटर इफेक्ट है। बिल्कुल ऑपोजिट, आपकी बुक की जो डेफिनेशन है उसमें जाके एग्जैक्टली डिमांड की जगह पे इन्वेस्टमेंट लिख दे और इन्वेस्टमेंट की जगह पे डिमांड लिख दे और दोनों डेफिनेशन को कंपेयर करें, सेम डेफिनेशन बनती है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है। और ये बेसिकली दोनों मिलकर ही इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट ही है कि डिमांड इंक्रीज करे और इतनी इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वो फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो और मार्केट में पैसे वो फैलाएंगे तो उससे डिमांड इंक्रीज होगी, वो लोग आगे पैसे आएंगे, फिर वो फर्दर बिजनेस के पास पैसे जाएंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी तो आगे बिजनेस फिर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर मिलके जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्राउड आउट इफेक्ट कहते हैं जब गवर्नमेंट जो है वो खुद ही जो है वो लोन लेना शुरू कर देती है तो बाकी सारे के सारे जो फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट सेक्टर को लोन चाहिए तो गवर्नमेंट मनी सप्लाई प्राइवेट, चाहे नोट छप रहे हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास नोट आ ही नहीं पा रहे क्योंकि गवर्नमेंट उनको क्राउड आउट कर रही है, गवर्नमेंट इतना ज्यादा खुद लोन ले रही है कि बाकी किसी के लिए वो हिस्सा नहीं बचता, इस चीज को क्राउडिंग आउट कहते हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ भी यूज होता है, जनरली टर्म भी क्राउडिंग आउट यूज होती है और भी सेंसेस में भी। हाँ जी, और क्या होता है, ये तो मुश्किल काम पूछ लिया। एक्सचेंज रेट बेसिकली आपकी एक करेंसी दूसरी करेंसी यूनिट के साथ जो किस किस टर्म्स के ऊपर एक्सचेंज हो सकती है, एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ किन टर्म्स में एक्सचेंज हो सकती है, तो एक पाकिस्तानी जो फॉर एग्जाम्पल एक डॉलर जो है उसके केस आपको कितने पाकिस्तानी रुपीस देने पड़ते हैं, 140 जो है 138 जो है वो पाकिस्तानी रुपीस देने पड़ते हैं, ये एक इस चीज का एक्सचेंज रेट होगा, इसको आप डायरेक्ट कोर्ट में इनडायरेक्ट कोर्ट में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कह रहा हूँ कि आप पूछते हैं डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या है और आप पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से आंसर डायरेक्टली करते हैं इनडायरेक्टली करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं डायरेक्टली करते हैं, तो आप आंसर किस में देते हैं, पाकिस्तानी करेंसी में आंसर देते हैं। आप इसका उल्टा भी आंसर दे सकते हैं, क्या 1/140 करके भी आंसर दे सकते हैं, एक को डायरेक्ट कहते हैं दूसरे को इनडायरेक्ट कहते हैं, आई डोंट नो आपके दोस्त में है कि नहीं, हां जी, और सब कुछ हो सकता है, तो जादू है, आज थोड़े से जादू देखे ना आपने, बहुत कुछ हो सकता है। आप प्राइस चेंज का इंपैक्ट देखें, ड्राइव हो जाएगी, और प्राइस चेंज का इंपैक्ट क्या है कि रिलेटिव प्राइसेस आप चेंज करके देखिएगा उससे क्या होता है, तो आप वो अपनी बजट लाइन को स्लांट करते जाएं तो उससे जो बिहेवियर बनेगा वो आपका आपको बता देगा कि ये क्या चीज है। और लेकिन ये बात है पेपर के लिए नहीं, अभी नहीं, पेपर में नहीं आनी, वापस आ जाओ। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑनेस्टली नाउ नहीं होते, इसमें आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन हैं हर चैप्टर के 3-4 क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, ठीक है, और बेसिकली क्वेश्चंस भी आपके ओपन एंडेड आते हैं, इतना स्पेसिफिक भी वो नहीं करता, ये अकाउंटिंग का क्वेश्चन नहीं है कि अकाउंटिंग में आपको चाहे उसने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन देता है तो वो हमेशा चेंज करके देता है, ठीक है ना, तो एक नया क्वेश्चन आता है, इसमें वो वही चीज पूछा कि हाँ भाई आप लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी बता दें, तो वो लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी पूछे या वो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डिपिक्शन ऑन द पूछ रहा हो, डिफरेंस का पूछ रहा हो, तो 10-15 सवाल है उसका नीचे आंसर एक ही बनता है, ठीक है, और पूरे और आपने देखा भी जो जैसे हमने पढ़ा है तो चीजें इतनी रिलेट करती हैं कि अगर आप कोई एक स्पेशली माइक्रो में कोई एक चीज छोड़े होंगे तो वो एक चैप्टर पे इम्पैक्ट नहीं कर रही होती, वो दो तीन चैप्टर पे उसका इम्पैक्ट आता है, तो आपने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दिया तो बाद में आपसे जो है ना वो अगली आने वाली 4-5 चीजें नहीं हो रही होंगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब कि यही है कि पढ़ लें सारा मतलब ये। हाँ जी, और एमसीक्यूज भी आते हैं ना, एमसीक्यूज भी आते हैं, फिर वो वही बात है कि आप छोड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप लूज कर रहे हो, बुक में से पेपर आना ही है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आएगा आपकी बुक से बाहर पेपर नहीं आएगा, वैसे ये तो 250-300 की बुक है सर, इनको पता है। Thank you very much, sir. Thank you, pleasure. Thank you. Looking for appreciation for you, sir. Oh.
अच्छा आप आपकी इनकम ईमेल एड्रेसेस है ना, हम फेस क्योंकि आप खेल देंगे ना, हम इसी वीडियो रिपोर्टिंग के कमेंट्स में डालेंगे। ठीक है, मैं कुछ चीजें है ना, वो जो चीजें जैसे क्वेश्चंस हैं इस तरह की चीजें या जनरल एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप जनरली वो देख लीजिएगा। आई होप के वो काफी आपके लिए ठीक है। थैंक यू, थैंक यू तो सर हमें देंगे तो इसी वीडियो के कमेंट्स में डालेंगे। आज की वीडियो भी होगी।